नमस्कार आप देख रहे हैं एस पी ए नाइन न्यूज और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह लालू प्रसाद यादव ये नाम आपने बखूबी सुना होगा इस नाम के चर्चे बहुत है चाहे राजनीतिक गलियारों में कह लीजिए या कॉमेडी के लाइन में क्योंकि इस नाम के जितने मायने निकाले जाते हैं उतने शायद ही राजनीति में किसी और नेता के लिए कहे जाते होंगे लेकिन आज लालू प्रसाद यादव के उस बयान पर चर्चा करेंगे जिसमें वो रोते बुलखते हुए नजर आए आपको बता दें कि यहाँ पर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित बीजेपी पर हमलावर नजर आए और बीजेपी के

बार दिखाते रहते लालू यादव ने कहा कि देश भर में कई दलों ने दंगाई पार्टी से समझौता कर लिया लेकिन मैं नहीं झुका ना ही झुकने वाला हूं उन्होंने कहा कि मैं अगर झुक जाता तो शायद इतने दिनों तक मुझे देश से जो है नहीं जाना पड़ता मुझे जेल में नहीं जाना पड़ता उन्होंने बीजेपी को देश का दुश्मन भी बता दिया आपको बता दें कि यहां पर देश के दुश्मन जैसे शब्दों का प्रयोग करते हुए यहां पर वो बीजेपी के लिए नजर आए और वहीं पर दूसरी तरफ उन्होंने एक बात तो साफ कर दी कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन वो अपने इस पूरे मुद्दे पर अडिग रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन उस चुनावी सरगर्मी के बीच में बीजेपी पर पलटवार करते नहीं भूलेंगे लेकिन यहां पर लालू यादव के इन आंसू को देख करके आपको क्या लगता है क्या लालू प्रसाद यादव जो बीजेपी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं क्या वो सत्य है क्योंकि यहां पर लालू प्रसाद यादव जो है वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि उनको जो जेल जाना पड़ा था वो बीजेपी की वजह से जाना पड़ा था अगर यहां पर बीजेपी सही जगह पर रहती ठीक तो शायद उन्हें जेल जाने का समय नहीं मिलता और वो बिल्कुल ठीक रहता अगर वो उनके सामने झुक जाते तो शायद आज जो हालात है आरजेडी के लिए वो शायद बदले हुए नजर आते आपको क्या लगता है लालू प्रसाद यादव के इन आंसुओं में कितनी सच्चाई आप हमें कमेंट में जरूर बताएं और तमाम ऐसी अपडेट्स के लिए देखते रहिए एसपीएन न्यूज